हरियाणा में भाजपा एमएलए पर तानी पिस्तल, ट्रक यूनियन में गोली मारने की कोशिश, भीड़ बढ़ी तो हथियार छोड़ भागे बदमाश। हरियाणा के हासी में ट्रक यूनियन के विवाद में पहुंचे बीजेपी विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने पिस्तल तान दी, साथ ही गोली मारने की भी कोशिश की। मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ती देख बदमाश पिस्तल छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने पुलिस को शिकायत दी कि ट्रक यूनियन ने जमीन पर फिर कब्जा कर लिया। हासी में तोसाम रोड पर वैकअप बोर्ड की 6000 गज जमीन है। इस जमीन पर करीब 1000 साल से या लगभग 100 साल से ट्रक यूनियन ने कब्जा किया हुआ है। 16 साल पहले 4 लोगों ने जमीन को लीज पर लिया था, वह इसका किराया भी भर रहे हैं। 5 दिन पहले प्रशासन ने ट्रक यूनियन से कब्जा छुड़वा लिया था। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में ट्रक यूनियन व ऑटो मिस्त्री ने शनिवार सुबह अपनी दुकानें बंद रखी। ट्रक यूनियन ने हासी के विधायक विनोद भयाना से संपर्क किया। इसके बाद भाजपा विधायक मौके पर पहुंचे। विधायक ने मिट्टी के ढेर पर चढ़कर दीवार दूसरी तरफ देखा, जहां मौजूद लोगों को अपने पास बुलाया। आरोप है कि इसी दौरान एक बदमाश ने विधायक पर दोनाली बंदूक तान दी। ट्रक यूनियन के सदस्यों के अनुसार एक अन्य युवक पिस्तौल लिए हुए विधायक की तरफ आया और विधायक पर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने युवक के हाथ पर पत्थर मार दिया, इससे उसकी पिस्तल नीचे गिर गई। इसके बाद मौके पर ट्रक यूनियन के सदस्यों की बढ़ती भीड़ देखकर बदमाश फरार हो गई। वहीं दीवार तोड़कर ट्रक यूनियन ने उस जमीन पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, वहां अपने ट्रक खड़े कर दिए। घटना की जानकारी मिलने पर काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लोगों ने पिस्तल को पुलिस के हवाले कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी धीरज कुमार व एसएचओ सिटी को ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने लिखित में शिकायत दी। मामले में पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। खबर को शेयर करें और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज 16।